दोस्तों वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं रेनबो पार्ट वन लेकर के क्लास इलेवेंथ का। हम लोग ये चैप्टर करेंगे डॉली एट द डेंटिस्ट, जिसको लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो हम लोग पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, फिर हम लोग इस एक तरह का ये देखा जाए तो एक प्ले है ड्रामा है, उसको हम देखते हैं किस तरह से क्या है, डॉली कौन है, डेंटिस्ट कौन है, सब कुछ पता हमको चल जाएगा। तो पहले हम लोग जीबी शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856 to 1950, कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पैदाइश 1856 में हुई थी और इनका देहांत 1950 में हो गया था। वाज़ ए प्ले राइट, एक ड्रामा निगार थे, ड्रामा लिखते थे, नॉवलिस्ट, नॉवेल भी लिखते थे, क्रिटिक, आलोचक भी थे, आलोचना भी करते थे, एंड पैशनेट सोशलिस्ट, और एक पैशनेट काफ़ी जो बिल्कुल जोश से भरा होता है ना, किसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है उसका, स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैशनेट है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सेक्सुअल फीलिंग हो या फिर रोमांटिक फीलिंग हो, दोनों तरह की फीलिंग को हम लोग बोलते हैं पैशन। आप पैशन समझते हैं, पैशन से निकला है पैशनेट। तो पैशनेट सोशलिस्ट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला एक समाजवादी व्यक्ति थे। कौन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्थ्यूज्ड विद द पावरफुल अर्ज टू रिफॉर्म सोसाइटी, वो इन्थ्यूज्ड मतलब उनको जज्बा था, उनको जोश था, वो काफ़ी जोश में थे, विद द पावरफुल अर्ज, काफ़ी शक्तिशाली एक डिज़ायर था उनको। अर्ज मने होता है दोस्तों डिज़ायर, चाहत, तो उनको चाहत थी, उसको काफ़ी शक्तिशाली एक चाहत थी, उससे वो जोश में थे, क्या करने के लिए, समाज को रिफॉर्म करने के लिए, मतलब समाज को सुधारने के लिए। ही रोट अबाउट 50 प्लेज, उनने 50 ड्रामे लिखे, विच इंक्लूड आर्म्स एंड द मैन, जो कि 1894 में रिलीज़ हुआ था, कैंडिडा 1897 में, मैन एंड सुपरमैन 1905 में, मेजर बारबारा 1905 में, पिग्मेलियन 1913 में, बैक टू मेथुसिला ये 1922 में, सेंट जॉन्स 1923 में, एंड द एप्पल कार्ट 1929 में। बहुत सारे ड्रामा इन्हें लिखे, लिखा हुआ 50 प्लेज लिखे, 50 ड्रामों को इन्हें लिखा। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, और काफ़ी वाइडली दूर दूर तक इनको जाना जाता है, रिगार्ड किया जाता है, इनका इज्जत किया जाता है, इनको जाना जाता है एज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट। ग्रेटेस्ट बहुत ही महान, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, ब्रिटेन का एक ड्रामेटिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद अगर किसी का ब्रिटिश अगर ड्रामेटिस्ट में नाम आता है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ही आता है। शॉ एग्जिबिट्स इन हिज प्लेज, जी बी शॉ जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं अपने ड्रामों में, अपने प्लेज में, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ अक्यूट कमेंट्स ऑन सोसाइटी। अ यूनिक ब्लेंड, यूनिक बने बिल्कुल अद्वितीय, जो कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, इसका कोई सानी ना हो, है ना। प्लेज क्या दिखाता है अपने ड्रामों में, अ यूनिक ब्लेंड, ब्लेंड मैंने मेल, एक अद्वितीय मेल दिखाता है किस चीज़ का, अक्यूट कमेंट्स ऑन सोसाइटी, समाज में जो कमेंट्स, जो तनकीद करते हैं, आलोचना करते हैं समाज की, और अक्यूट आलोचना करते हैं, अक्यूट मैंने काफ़ी तीखा, तीखा आलोचना करते हैं समाज पर अपने ड्रामों में, अपने प्लेज में। अ डिलेक्टेबल रिदम ऑफ प्रोज एंड बायंट विट, कहता अ डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब होता है डेलिशियस, मज़ेदार, अ मज़ेदार रिदम, रिदम बोलते हैं लय, धुन जिसको बोलते हैं, एक काफ़ी मज़ेदार धुन होता है उनका प्रोज का, आप जानते हैं गद और पद है ना, प्रोज इन पोएट्री, तो जो पोएम नहीं होता है वो प्रोज होता है, गद पद आप जानते हैं, एंड बायंट विट, और प्रसन्नचित बुद्धि, कहने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों का एक ब्लेंड होता है, इनके ड्रामों में एक मेल होता है। शेक्सपियर के बाद अगर नाम लिया जाता है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ही नाम लिया जाता है। ऑल हिज प्लेज आर इंटेलिजेंट डिबेट्स, उनके जितने भी प्लेज हैं, जितने भी ड्रामा हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक इंटेलिजेंट डिबेट हैं, एक बुद्धि से भरा हुआ क्या है, डिबेट्स हैं, आप डिबेट समझते हैं। एंड वन इज़ बाउंड टू इनकाउंटर अनपैलेटेबल ट्रूथ्स, और एक इंसान को
वो बाउंड हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है, वो बंध जाता है टू इनकाउंटर, सामना करने के लिए किन चीज़ों से, अनपैलेटेबल ट्रूथ्स, वो उन सच्चाइयों का जो वो हजम नहीं कर पाता है, जो अनपैलेटेबल है, जो अनप्लेजेंट है, जो अच्छा नहीं है, जो हजम नहीं हो रहा, जो गले से नहीं उतरता है, उसको बोलते हैं अनपैलेटेबल। ठीक, मतलब खुशगवार नहीं है, मतलब वो अच्छा नहीं है, मतलब वो प्लेजेंट नहीं है, मतलब अनप्लेजेंट, अनपैलेटेबल का मतलब अनप्लेजेंट। ठीक है, कुछ ऐसी ट्रूथ्स हैं, सच्चाइयां हैं जो हजम नहीं होती हैं, उन सब का किसी एक को सामना करना पड़ता है इनके ड्रामों में। दो, बिगाइलिंगली ड्रेस्ड। हाँ, गर्चे यद्यपि, बिगाइलिंगली का मतलब होता है दोस्तों मतलब जिस तरह से हमको दिखता है उस तरह से होता नहीं है, मतलब हमको दिखता है कि ऐसा है बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं बिगाइलिंगली। तो बिगाइलिंगली ड्रेस्ड, गर्चे वो बिगाइलिंगली ड्रेस्ड है, काफ़ी अच्छे रूप में हमको ड्रेस दिखता है कि हाँ पोशाक काफ़ी वेल ड्रेस्ड है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। डॉलियर द डेंटिस्ट, अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, डॉलियर द डेंटिस्ट। द पीस दैट फॉलोज, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इज द ओपनिंग सीन फ्रॉम यू नेवर कैन टेल। कहता है कि ये एक ओपनिंग सीन है, शुरू शुरू का एक दृश्य है। कैसा दृश्य है? फ्रॉम यू, यू नेवर कैन टेल, तुम कभी नहीं कह सकते, ये भी एक ड्रामा है, उसका शुरू शुरू का एक सीन है डॉलियर द डेंटिस्ट। द ड्यूल ऑफ सेक्सेस, ड्यूल माने द्वंद्व, द्वंद माने है ना, क्या बोलते, द्वंद समझते हैं ना आप, दोनों तरफ से जब बोला जाता है इसको द्वंद कहते हैं, दोनों तरफ से जब कोई काम होता है, धक्का मुक्की होती है, इसको भी द्वंद कहते हैं, ड्यूल कहते हैं। ऑफ द सेक्सेस, सेक्सेस का मतलब होता है मेल और फीमेल का द्वंद। अ फ्रीक्वेंट थीम इन शॉज प्लेज, यही थीम बार बार शॉज के, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों में दिखता है हमको, है ना। इज इन द फोकस हेयर, यही इस ड्रामे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यही फोकस है, यही इसी बात को केंद्र में रखा गया है, इसी को, इसी चीज़ पे केंद्रित किया गया है। द सीन इज़ शॉर्ट, जो सीन जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, छोटा है, बट द वाइटलिटी ऑफ शॉज कैरेक्टर्स, लेकिन सीन तो छोटा है, दृश्य तो छोटा है, लेकिन वाइटलिटी, जो जीवन शक्ति है, वाइटलिटी का मतलब जीवन शक्ति, ऑफ शॉज कैरेक्टर्स, शो के कैरेक्टर्स में, शो के किरदारों में, शो के पात्रों में जो जीवन शक्ति है, एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक, और उसके जो गुण हैं, विट, और उनकी जो बुद्धि है, एंड ह्यूमर, उनका जो हास है, हंसने का मजाहिया जो अंदाज है, आर एविडेंट थ्रू आउट, पूरी तरह से पूरे पूरे ड्रामे में अस्पष्ट है, एविडेंट है, क्लियर है। बात आपको समझ में आ रही है? The way in which words such as didn't, अब कहते वो रास्ता, ऐसी इस तरह से, ऐसे तरीके से कुछ words को उन्होंने लिखा है, जैसे didn't, don't, haven't, can't are written in this lesson, इस lesson में इस तरह के words को लिखा गया है, apostrophe के बिना लिखा गया है। Clearly shows idea on how the English language, ये क्लियर दिखाता है कि जी बी शाह का जो है वो आइडिया कैसा है, किसको लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। द डिलिबरेट ऑमिशन ऑफ अपोस्ट्रोफी फ्रॉम डिडंट, डोंट, हैवेंट, कांट इज इन ए केस ऑफ शॉज एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। इनने जो डिडंट, डोंट वगैरह से ये जो अपोस्ट्रोफी को हटा दिया है, तो ये क्या करना चाहते हैं, एम्फेसिस डालना चाहते हैं, जोर डालना चाहते हैं किस चीज़ पर, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, एक समानता लाना चाहते हैं, है ना, एकाग्रता लाना चाहते हैं, किसमें, स्पीच और राइटिंग में, बोलने में और लिखने में। तो चलिए, ये तो था जी बी शॉ के बारे में। अब थोड़ा हम लोग शुरू करते हैं कि डॉलियर द डेंटिस्ट, ये जो प्ले है, किस तरह से वर्क करता है, शुरू करते हैं। इन अ डेंटिस्ट ऑपरेटिंग रूम ऑफ ए फाइन अगस्त मॉर्निंग, कहता है एक अच्छी सुबह, अगस्त की एक अच्छी सुबह होती है, उसमें एक डेंटिस्ट, डेंटिस्ट माने होता है जो दांत का इलाज करता है, दांत का डॉक्टर, एक दांत के डॉक्टर की ऑपरेटिंग रूम, वो रूम जहाँ ऑपरेशन करता है, वो ऑपरेटिंग रूम में क्या होता है, इन 1896 अ वेरी प्रीटी वुमन इन मिनीचर, कहता है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीटी जो एक लड़की है, औरत है, इन मिनीचर, मतलब मिनीचर, मिनी ड्रेस में, छोटे छोटे, है ना, छोटे आकर्षक कपड़ों में, हार्डली 18,
वो मुश्किल से 18 साल की हुई होगी। इस सीन होल्डिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसको देखा जा सकता है वो हाथ में पानी का ग्लास लेकर के खड़ी है, इन हर हैंड, अपने हाथ में। द एक्सप्रेशन ऑफ टेंस पेशेंस अंडर पेन इज रैपिडली क्लियरिंग फ्रॉम हर स्मॉल फार्म सेट माउंट एंड क्वेंटली स्क्वेर्ड आईब्रोज। कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ टेंस पेशेंस, कहता है कि उसका जो पेशेंस था, उनका जो सब्र करने का जो मादा था, वो टेंस हो रहा था। टेंस मैंने खिंचा हुआ महसूस कर रहा था, वो टेंशन में थी, वो उसका जो एक्सप्रेशन है उसके चेहरे का दिख रहा था, टेंशन में थी। अंडर पेन, उनको दर्द हो रहा था, दर्द में थी वो। इज़ रैपिडली क्लियरिंग फ्रॉम हर स्मॉल फार्म सेट माउंट, वो इस चीज़ को क्लियर कर रही थी रैपिडली, मतलब जल्दी जल्दी क्लियर कर रही थी, साफ कर रही थी। फ्रॉम अ स्मॉल, किसी से, फ्रॉम अ स्मॉल फार्म माउंट एंड क्विंटली स्क्वायर्ड आईब्रोज। कहता है कि उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो मुंह था, है ना, उनका जो बिल्कुल स्ट्रेंजली, क्विंटली का मतलब होता है स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली स्क्वायर्ड मतलब चौकोर, जो उनका आईब्रो था, उनका चौकोर था, चौकोर टाइप का, इस टाइप का था, है ना, चौकोर, ये चौकोर उन्हें बना रखा था चूँकि उनको दर्द सा फील हो रहा था, तो इसलिए वो अपने मुंह को बिल्कुल, मुंह को दर्द, मतलब वो उसको झेल रहा था, एक्सप्रेस, उसका एक्सप्रेशन क्लियर दिख रहा था कि उसको दर्द महसूस हो रहा है। द डेंटिस्ट, अ हैंडसम यंग मैन, कहता है कि वो जो डेंटिस्ट था, वो जो दांत का डॉक्टर था, एक हैंडसम यंग मैन था, एक जवान था, सुंदर था, अच्छा था, ऑफ 30 और देर अबाउट्स, वो यही कोई 30 साल का या आसपास का रहा होगा। वॉचेज हर विद द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उस लड़की को वो देखता है भरपूर आत्मसंतुष्टि के साथ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ, ऑफ ए सक्सेसफुल ऑपरेटर, और अपने आप को वो सफल ऑपरेटर या ऑपरेशन करने वाला या सर्जन या डेंटिस्ट मानता है। कौन? वो डॉक्टर। ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन रूम की ये बात चल रही है, या ये बात वहीं हो रही है। अब क्या होता है, द यंग लेडी, वो जो जवान औरत होती है, वो कहती है हैंडलिंग हिम द ग्लास, वो जो पानी लेकर खड़ी थी, वो उसको ग्लास क्या करती है, हैंड ओवर करती है, देती है, और फिर बोलती है थैंक यू, क्या बोलती है, आपका धन्यवाद। इन स्पाइट ऑफ द बिस्किट कम्प्लेक्शन सी हैज़ नॉट द स्लाइटेस्ट फॉर एन एक्सटेंट, कहता है कि उनका जो कम्प्लेक्शन था, उनका जो रंग था, उनके बदन का जो रंग था बिस्कुट कलर का था, लेकिन शी हैज़ नॉट द स्लाइटेस्ट फॉरन एक्सेंट, लेकिन उनके पास ज़रा भी विदेशी एक्सेंट मैंने बोलने का जो अंदाज होता है, है ना, एक्सेंट बोलते हैं उसको, कई तरह से न्यूट्रल एक्सेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है, मतलब अमेरिका के लोग किस तरह से बोलते हैं, ब्रिटेन के लोग किस तरह बोलते हैं, हमारे भारत के लोग किस तरह से बोलते हैं, ये एक्सेंट होता है बोलने का अंदाज, तो ज़रा भी उसके पास फॉरन एक्सेंट नहीं था, सिंपली उनने कहा थैंक यू।